पब्लिक टीवी आपकी आवाज। झजलैट थाना प्रभारी को हटवाने के लिए बजरंग दल के जिला प्रमुख ने ही दो बार गौवध करवाया और पुलिस पर आरोप लगाते हुए खुद समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। आरोपितों ने ही घटना के तत्काल बाद गाय काटने का वीडियो बनाकर शासन के अधिकारियों को ट्वीट करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपित बजरंग दल के जिला प्रमुख समेत चारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि छजलैट थाना क्षेत्र में समदपुर गांव के कांवड़ पथ पर 16 जनवरी को गौवंश पशु के अवशेष मिले थे। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद 28 जनवरी की रात क्षेत्रामपुर गांव के जंगल में गौवध की घटना हुई। इस घटना का लाइव वीडियो बनाकर शासन के अधिकारियों के साथ ही जिलाधिकारी को ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की गई। मामले की जानकारी के बाद एसएसपी ने एसपी देहात संदीप कुमार मीना, सीओ कांठ अंकित तिवारी और छजलैट थाना प्रभारी सत्येंद्र शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर घटना का लाजपास करने के निर्देश दिए थे। देखिए, आज थाना बिलारी के अंतर्गत दो लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक वकील और प्रिजवान है। ये थाना कोतवाली जनपद संभल के रहने वाले हैं और दूसरे सहजाज पुत्र यामीन है। ये मूल रूप से थाना खकरौदा जनपद मेरठ के और अभी वर्तमान में थाना रामनगर नैनीताल के में रह रहे हैं। और तीसरे जो नाम प्रकाश माया सहनवाज पुत्र सलीम जो कि आपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों ने थाना बिलारी में दो चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, जो एक 2023 में हुई थी और दूसरी जो घटना है ये भी 2023 में ही घटना हुई थी। और दोनों जो घटना है इनमें काफ़ी सामान इनके द्वारा ले जाया गया था, जिसमें एक मोटरसाइकिल मतलब एक एलईडी टीवी थी और कुछ पीली धातु के जो आभूषण थे इनके द्वारा चोरी किए गए थे और कुछ नकदी इन्होंने चोरी की थी। इसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों की गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से एक एलईडी टीवी इनके पास से एलजी कंपनी की जो बरामद हुई है, इसके अलावा दो जोड़ी जो टॉप्स हैं वो बरामद हुए हैं, एक अंगूठी बरामद हुई है और एक पाजेब बरामद हुई है और करीब 5,000 रुपये इनके पास से नकद मिला और एक मोटरसाइकिल इनके पास से मिली है। इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया गया था वो बाइक के माध्यम से दिया गया था और ये सीसीटीवी में जो घटना है इसके बाद में इनको देखा गया था और उसी पे जो हमारी जो थाने बिलारी की जो टीम है इन्होंने इसमें काफ़ी होमवर्क किया और उसके बाद में इन लोगों का जो सीसीटीवी के माध्यम से इनकी पहचान की गई और पहचान के बाद में आज इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। जो वकील और परिजवान हैं ये पहले भी कई मुकदमों में जेल जा चुके हैं, इनके ऊपर करीब 14 मुकदमे हैं पहले के, और जो सहजाद है उनके विरुद्ध भी दो मुकदमे हैं। तो इस तरीके से ये सातिर चोर हैं और जो घूम घूम के ऐसे घरों को ये टारगेट करते थे जहाँ पे कि ये जो बादी है वो कहीं पे अपने रिश्तेदारी में चला गया, किसी काम से बाहर चला गया, तो उसके बाद में ये लोग उसको आइडेंटिफाई करके और फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आज इनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें इनसे बरामदगी भी की गई है और इनके खिलाफ में अब इसमें आगे जो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी इन लोगों के विरुद्ध की जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी एक रिकवरी हुई है और जो ये चोरी की जो घटनाएँ हो रही थी ऐसे निश्चित तौर पे इससे रोक लगेगी और इस पूरी कार्रवाई के लिए जो थाना बिलारी की जो टीम है उसको मेरे द्वारा 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार। थैंक यू। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।